आज फिर एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई। देश के चौथे स्तंभ का मजाक उड़ाया गया। फिर एक पत्रकार को मारने की धमकी देकर दबंगों ने अपने आप को साबित कर दिया कि हमारे आगे लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता, यानी कानून को ठेंगा दिखाते खुलेआम नजर आते हैं। दरअसल ये मामला राजस्थान के कोटा जिले का है, जहां एक निजी स्कूल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। ज्ञानदीप स्कूल के संचालक भारत भूषण यादव कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को बिना मास्क स्कूल बुलाकर बिना मास्क के पढ़ा रहे थे और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे, जिस पर SDM राजेश ढाका द्वारा तुरंत एक्शन लेते हुए गुरुवार को सीज किया गया। पत्रकार राम नरेश मेहर ने स्कूल सीज होने की खबर दैनिक भास्कर में प्रसारित की थी। इसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जहां स्कूल संचालक भारत भूषण यादव ने पत्रकार राम नरेश मेहर के साथ धक्का मुक्की की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पत्रकार राम नरेश ने बूढ़ा तदी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाकर कार्यवाही की मांग की। लेकिन यहां पर एक बात साफ हो जाती है कि जिस चौथे स्तंभ पर प्रहार किया जाता है, ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जो अपराधी होते हैं, ऐसे में उनके हौसले बुलंद होते जाते हैं। न्यूज इंडिया 9 कोटा राजस्थान से महेश कुमार की रिपोर्ट। मैं राम नरेश मेहरा बुढ़ादी थाने में FIR दर्ज करवाने आया हूँ। कल मैंने ज्ञानदीप स्कूल के सीज करने की खबर को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। उसके बाद आज सुबह शुक्रवार को 8 बजे के लगभग भारत भूषण यादव ज्ञानदीप स्कूल के संचालक ने मेरे साथ बस स्टैंड बड़ौद की तरफ जाते समय रास्ता रोककर मारपीट करने की कोशिश की और जाति सूचक गालियों से प्रताड़ित किया और मुझे देख लेने की धमकी दी। उसके बाद मैंने SP साहब को, DSP साहब विजय शंकर शर्मा जी को, थानाधिकारी अविनाश जी को और थाने में आकर FIR दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती हैं देखते हैं आगे।